बिहार के एक युवक की पलामू में क्यों हो गई मौत? कब तक फर्जीवाड़े का चारागाह बना रहेगा पलामू? बिना निबंधन एवं डिग्री के कैसे होता है अस्पताल का संचालन? एक फर्जी चिकित्सक ने ले ली युवक की जान, आखिर पलामू क्यों हो रहा है बदनाम? ये सवाल हर बार लगातार कैपिटल न्यूज उठा रहा है कि आखिरकार फर्जी अस्पतालों का संचालन कैसे हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही से कौन भाग रहा है? स्वास्थ्य विभाग हो, जिला प्रशासन या फिर झारखंड की सरकार, लगातार होते मौत के सिलसिले पर चुप्पी साधकर पलामू की पहचान, छवि एवं सुविधा को दरकिनार कर अन्याय क्यों हो रहा है? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है तब जब जिले के हरिहरगंज थाना में एक बिहार के एक युवक अपनी जान बचाने के लिए पहुंचा तो था जान के रक्षक के पास, लेकिन डॉक्टर ही फर्जी निकला और उसने युवक की जान ले ली। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद ही युवक ने दम तोड़ दिया और इस तरह से जान का रक्षक ही उसका भक्षक बन गया। घटना में हैरान करने वाली बात है कि उस चिकित्सक को यह एहसास हो गया था कि उससे गलती हो गई है, तभी तो मामले को बिगड़ता देख फर्जी डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। इधर जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तब पुलिस और चिकित्सा पदाधिकारी ने फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया और फरार डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा थाना क्षेत्र के रहने वाला सुरेश भुइयां पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित था। इसके बाद सुरेश के परिजनों ने उसे इलाज के लिए हरिहरगंज स्थित एक निजी क्लिनिक में लाया गया था। यह डॉक्टर संतोष कुमार जैसे ही युवक को इंजेक्शन लगाया वैसे ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ ना लेकर ले, सारा कर लेती सरकार कुछ बोलबो ना कर लेती कर लेती कि सुई लगता हुआ सुइया देती तो कहती ना कि ठीक है ऐसे कर रहा गलती अब तक लोग भाई तुरंत पटवन सुइया दे मर गए। खुद को MBBS बताने वाला डॉक्टर संतोष कुमार फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाता था। पुलिसिया जांच में यह बात सामने आई है। युवक की मौत के बाद अब इस बात का भी खुलासा हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिरकार किसके संरक्षण में पलामू में यह खेल चल रहा है, जिसका जवाब तो शासन प्रशासन को देना ही होगा और इंतजार रहेगा इस बात का भी कि कब तक यूं ही गरीबों की जान से सिस्टम खेलता रहेगा। देखते रहिए आपकी आवाज़ कैपिटल न्यूज़।